अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड फाइनली हम अंदर जा रहे हैं। ये पाताल गंगा है, ऐसे कहेंगे चलो गंगे कहते हैं। अभी हम पाताल गंगा के जा रहे हैं, शायद देखेंगे पाताल का तो एकदम ग्राउंड के अंदर है, गंगे का तो शायद क्या तो नदी वगैरह पानी वगैरह रहेंगे, चलो देखेंगे क्या है। ये पाताल गंगा है, सिर्फ 8 पैरी नीचे उतरना, 1 2 3 4 5 6 7। फ्रेंड्स ये तो इसे बोलते हैं पाताल गंगे, ये पाताल कहते हैं अंडरग्राउंड गंगे, कहते हैं पानी है गंगे रिवर कहते हैं, नहीं मालूम पता। ये रिवर है, ये दो पहाड़ के बीच में क्या पानी है, यहाँ सिर्फ 8 स्टेप नीचे उतरना, इसके नीचे हमें जा नहीं सकते, मतलब थोड़ा रिस्क रहा था यहाँ तक। इसलिए फिर ये लास्ट स्टेप है, इसके नीचे में नहीं जा सकते, इसे पाताल गंगे बोलते हैं। तो चलो यहाँ सब पानी पजरा देखो, एक्सप्लोर कर रहे हैं। नीचे घर है, अंदर तो जाने सकते, थोड़ा रिस्क रहता, हम बाहर से देखेंगे। यहाँ पर एक अंकल ने प्रसाद दिया, तो चलो 300 तक लक्ष्मण हिड़ी साका तीन तीन। तो शिव गंगे लोकेशन है, तो ये कब का तो किसके अंडर था का, तो वैसाड़ा, वो जो एक किंगडम थी वैसाड़ा उनके अंडर ये था। कब कहे तो 16th सेंचुरी में, यहाँ के राजा इन्हीं था विष्णुवर्धन, उसकी जोरू शांताला, उसके बारे में का बोले थे क्या बोलते हैं वो घटना घटी, वो जो ऊपर है वो बताएंगे। पसंद भी चढ़ने अभी, तो चलो जल्दी जल्दी चढ़ेंगे, टाइम हो रहा। बटाटे ऊपर आ गए, वड़कल्लू पुण्य तीर्थी कर को, चलो अंदर गएंगे। वड़कल्लू तीर्थ बोलते हैं, पानी है जो भी इच्छा मांगते हैं सब पूर्ण होता रहते हैं, मतलब होता कि नहीं चेक कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हमारी जो भी तमन्ना होती है पानी में हाथ डाल देखने का, अगर पानी मिला कहते तो हमारी तमन्ना पूरा होता, कहते मंगले को पानी में हाथ डाले पानी नहीं मिला कहते नहीं होता कहते। चलो फ्रेंड्स, इस हिल की हाइट 2603 है, 2603 फीट की ऊंचाई है इस पहाड़ की हिल की। ऊपर एक नंदी टेंपल है और एक इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट है, दिखा तुम चलो, बहुत सुस्त हो रहा, सर दुख रहा, कहीं कहते लैक ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ये आप क्लाइमेट दे सकते हैं कैसा दिखता। थोड़ा ऊपर आने पर है शिव पार्वती का मंदिर आता है, आइसक्रीम खाएंगे के अंदर। ये तेल डालता है अरंडी का तेल, वो बल्लर के दाल बल्लर, वो दो भी मिला के घाटी बन लेके गिर गया, आत्महत्या कर लिया। क्यों? वो अभी फल छूटता है बल्लर के फली छूटती है, अरंडी छूटती है, वो लज्जा के पकाई तो कैसा होता मालूम, खाली खून होता, खून खून।
पब्लिक देखो कितने वहाँ बहुत सारी पब्लिक चढ़ रही है, उतर रहे हैं फिर हमें अभी चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं चढ़ने की क्या हालत है, बहुत खतरनाक जगह है। अब देख सकते हैं अब ये बेस के सिस्टम बन सकते आप देख सकते हैं रास्ता कैसा ना वाला फोन पिसल रही चल रही है। सलीम पढ़ता था मैं अभी डेड बॉडी नहीं मिलती थी। अच्छा दसवां चुपता टॉप में अभी थोड़ा ये जो टॉप है उसके बारे में एक रहस्य चलो देंगे। अभी थोड़ा बचा चलो पसीना पसीना हो इंसान क्या करते हैं। सेफ्टी है लेकिन चढ़ना मुश्किल है, मैं दिखाता हूँ स्टेप्स कैसे। चलो बहुत सारी पब्लिक चढ़ रही बाबा अब एक थोड़ी देर में वो पॉइंट के पास पहुंच रही जहां पर शांताला। चलो पॉइंट दिखाता हूँ तुमने 16वें शतमान का विष्णुवर्धन की जोरू पड़को मरी की भाड़े की उनके शेर है, इनका नाम उमर है। मालक तुमने कैसा फील हो रहा है ऊपर चढ़े ऑक्सीजन की खपत हो रही, दिमाग सर फिरा रहा, दिमाग चक्कर आ रहा, जैसे हाइपोक्सिया के होने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे। लोग हाँपते कांपते ऊपर आने की कोशिश कर रहे, ये जोश लेके कि ऊपर क्या है देखने के वास्ते। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा ये है सीनेरियो और जो बैक साइड आप देख सकते हैं जो भी बोले सुने रहेंगे। तो चलो अभी बाकी पॉइंट है ऊपर चढ़ेंगे, मेन पॉइंट है चुपर है क्या है सो शांताल है